This video is presented by AgriTime. Hello, welcome to AgriTime. Learn agriculture with me. Friends, today's topic physics important questions. भौतिक शास्त्र के भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे. फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल पर जो वीडियो अपलोडिंग टाइम है वो कुछ इस तरीके से है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रही है. ये क्लासेस की टाइमिंग है. फ्रेंड्स, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन सभी के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे. ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन. गोलीय दर्पण में फोकस दूरी व वक्रता के बीच संबंध है. द रिलेशनशिप बिटवीन फोकस डिस्टेंस एंड सर्वेंस इन ए स्फेरिकल मिरर इज. ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, ए बी सी डी में से आपको कोई एक कमेंट करना है कौन सा होता है संबंध. चलिए बताइए क्विज वन का राइट आंसर क्या होगा. एग्रीएंस, टाइम ऑफ होता है एग्रीएंस. और क्विज वन का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया उन सभी का आंसर राइट है. F इक्वल R अपॉन 2 जो कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी व वक्रता के बीच संबंध होता है. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा आपके स्क्रीन पर. सूर्य ग्रहण होता है जब, when the solar eclipse occurs. ऑप्शंस दिए हैं, पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य आ जाता है, चंद्रमा एवं पृथ्वी के मध्य आ जाता है, या फिर सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के मध्य आ जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं. चलिए कमेंट कीजिए, बहुत ही सिंपल क्विज है और अक्सर पूछा जाता है, कमेंट कीजिए सभी. टाइम अप होता है एग्रीएंस. और क्विज 2 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया उन सभी का आंसर राइट है. चंद्रमा एवं पृथ्वी के मध्य आ जाती है सूर्य, ठीक है, तब सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपके स्क्रीन पर. 60 केजी भार के किसी व्यक्ति का किसी उपग्रह में भार होगा. 60 केजी पर्सन ऑफ वेट विल हैव वेट इन ए सैटेलाइट. ऑप्शन से दिए हैं, 60 केजी, 0, इन्फिनिटी यानी कि अनंत और नॉन ऑफ दिस. चलिए कमेंट कीजिए क्विज 3 का राइट आंसर क्या होगा. एग्रीएंस, टाइम अप होता है एग्रीएंस. और क्विज 3 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया उन सभी का आंसर राइट है, इन्फिनिटी होगा. वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए. पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा आपके स्क्रीन पर. एक सेल का विद्युत वाहक बल 8 वोल्ट है. जब वह 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहा होता है तो उसकी टर्मिनल वोल्टता 4 वोल्ट होती है. सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, 42, 20, 12 या फिर 32. कमेंट करके बताना है सभी को क्विज 4 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए. टाइम ऑफ होता है एग्रीएंस. और क्विज 4 का जिन्होंने बी कमेंट किया उस सभी का आंसर राइट है, 20 होगा, 20 होगा प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध सेल का, ठीक है. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा आपके स्क्रीन पर. 3 समान संधारित्र प्रत्येक की धारिता 3μF है. इनके संयोजन से प्राप्त अधिकतम धारिता एवं न्यूनतम धारिता क्या होगी. ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, इनमें से आपको एक को कमेंट करके बताना है कि राइट आंसर क्या होगा. चलिए कमेंट कीजिए कुछ 5 का राइट आंसर क्या होगा. एग्रीएंस, टाइम ऑफ होता है एग्रीएंस. और क्विज 5 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया उनसे भी का आंसर राइट है, 9μF और 1μF.
यानी कि अधिकतम धारिता और न्यूनतम धारिता होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा आपके स्क्रीन पर। एक व्यक्ति अपने चश्मे में +2D क्षमता के लेंस का उपयोग करता है, वह निम्न दृष्टि दोष से पीड़ित है। कौन सा दृष्टि दोष होगा? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या फिर दृष्टि वैषम्य। ए पर्सन यूजेस ए लेंस ऑफ +2D कैपेबिलिटी इन हिज ग्लासेस, ही इज सफरिंग फ्रॉम लो विजन इफेक्ट। कमेंट कीजिए क्विज 6 का राइट आंसर क्या होगा। एग्रीएंस टाइम अप होता है एग्रीएंस। और क्विज 6 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया, उसे बी का आंसर राइट है। उस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होगा अगर वो अपने चश्मे में +2D क्षमता के लेंस का उपयोग करता है तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा आपके स्क्रीन पर। एक व्यक्ति किसी वस्तु को अपने नेत्र से 1 मीटर की दूरी तक देख सकता है, उस व्यक्ति को दृष्टि दोष के निवारण के लिए निम्न क्षमता के लेंस का उपयोग करना चाहिए। पर्सन कैन सी एन ऑब्जेक्ट अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम हिज इज, द पर्सन शुड यूज लो कैपेसिटी लेंसेज टू करेक्ट विजन इम्पीरिमेंट्स। ऑप्शन दिए हैं 0.5D, 1D, +2D और -1D। सो कमेंट कीजिए कुछ 7 का राइट आंसर क्या होगा। एग्रीएंस टाइम अप होता है एग्रीएंस। और क्विज 7 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है, सभी का आंसर राइट है, -1D होगा। ठीक है, राइट आंसर क्विज 7 के लिए। आप क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिए अच्छे से, या तो रुक जाइए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा आपके स्क्रीन पर। एक प्रिज्म का अपवर्तनांक व प्रिज्म कोण 2 व 60 डिग्री है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण व अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, द रिफ्लेक्शन इंडेक्स एंड प्रिज्म एंगल ऑफ ए प्रिज्म इज 2 and 60 degree, द वैल्यू ऑफ इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल इन द केस ऑफ मिनिमम डिवीजन। चलिए कमेंट कीजिए क्विज 8 का राइट आंसर क्या होगा। एग्रीएंस टाइम अप होता है एग्रीएंस। और क्विज नंबर 8 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया, उन सभी का आंसर राइट है। ठीक है, आपतन कोण व अपवर्तनांक जो कोण है, अपवर्तन जो कोण है, इसका मान क्रमशः I 45 डिग्री और R 30 डिग्री होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपके स्क्रीन पर। एक 2 kg यानी कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान का ब्लॉक 36 से 30 डिग्री पर झुके हुए एक नत समतल पर स्थित है। ब्लॉक तथा तल के मध्य घर्षण गुणांक 0.7 है। ब्लॉक पर लग रहे घर्षण बल का मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। सभी को कमेंट करना है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिए। टाइम ऑफ होता है एग्रीएंस। और क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0.7 × 9.8 √3 न्यूटन, ये इसका राइट आंसर है क्विज 9 का। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं आपको यहाँ पे समझाते बताऊं कि कैसे कैसे होगा। अब आप लॉकडाउन के बाद, अभी तो लॉकडाउन है, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है हम आपके लिए जितने भी क्वेश्चन है उनके लिए उनका सोल्यूशन भी साथ साथ कराते जाएंगे। ठीक है, जैसे ये सभी तो आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन है, लेकिन न्यूमेरिकल्स भी तो है ना बहुत सारे फिजिक्स में, तो सभी जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम यहीं पे आपको सॉल्व कराते जाएंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ताकि आपकी जो तैयारी है वो और अच्छे से सब हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा आपके स्क्रीन पर। यदि पृथ्वी की सूर्य से दूरी वर्तमान मान का गुना कर दिया जाता है तो 1 वर्ष की अवधि क्या हो जाएगी? इफ द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज मल्टीप्लाइड बाय द प्रेजेंट वैल्यू, देन द पीरियड ऑफ 1 ईयर विल बी। ऑप्शंस है 1/8 ईयर, 8 ईयर, 1/4 ईयर या फिर सिर्फ 4 ईयर।
चलिए कमेंट कीजिए कुछ टेन का राइट आंसर क्या होगा एग्रियंस। टाइम अप होता है एग्रियंस। और फिचटेन जो है यदि पृथ्वी की सूर्य से दूरी वर्तमान मान का गुना कर दिया जाता है तो एक वर्ष की जो अवधि हो जाती है, तो क्विस्टेन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1/8। सो क्विस्टेन के लिए राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी एग्रीकल्चर फ्रेंड्स के पास जो तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की उन तक यह वीडियो शेयर करने में हमारी हेल्प जरूर कीजिएगा।